वेलकम टू एग्री साइंस पॉइंट चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स, जो कि एक बैक्टीरिया का क्लास है जिसे हम माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स को दो शब्दों में डिवाइड किया जाए तो उसके फॉर्म होंगे मॉली और क्यूटी। मॉली का मतलब होता है सॉफ्ट, क्यूटी का मतलब होता है स्किन, मतलब कि सॉफ्ट स्किन वाला बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसे हम माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम और ये डीएनए स्ट्रैंड। मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लास ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक क्लास है। मॉलिक्यूल हैज अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब कि मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया का एक ऐसा क्लास है जो सबसे डिफरेंट है, मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यही बात इसे अलग करती है अदर बैक्टीरिया से। मॉलिक्यूल्स हैज अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब देखेंगे हम इसके डिसीज, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो बैक्टीरिया वो प्लांट में कौन कौन से डिसीज कॉज करता है और उसके कौन कौन से सिम्टम्स है वो हम देखेंगे। पहला है गिंगली और सीसेम फिलोरी। इसमें इसके सिम्टम्स क्या है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ ल्यूज, मतलब कि जो ल्यूज होते हैं उसकी साइज़ में क्या होता है, रिडक्शन होता है, साइज़ कम कम होती जाती है ल्यूज की। स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड लीड टू प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। ये जो आपको स्टेम के पास में जो ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है उसका क्या होता है, स्टिमुलेशन होने की वजह से प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, मतलब कि रिपीटेड ब्रांचिंग ऑफ द ट्रीज होती है। किस वजह से, स्टिमुलेशन ऑफ द ऑक्सिलरी बर्ड से। बाद में क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ अ फ्लोरल पार्ट्स, तीसरा सिम्टम, कन्वर्शन ऑफ अ फ्लोरल पार्ट्स इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो फ्लावर के पार्ट होते उनका कन्वर्शन होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब कि वो कौन से भी कलर का अगर फ्लावर रहा तो उसका कन्वर्शन होता है ग्रीन कलर के लीफ स्ट्रक्चर में। नोट करने की बात है, फर्स्ट डिसीज प्लांट बिकम कम्प्लीटली स्टराइल। जो प्लांट होता है डिसीज वाला, मतलब कि डिसीज प्लांट कम्प्लीटली स्टराइल होता है, मतलब कि वो आगे कौन सा भी प्लांट प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, मतलब कि या सीड या फिर कोई भी प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसे हम स्टराइल कहते हैं। ज़्यादातर हाइब्रिडी प्लांट ज़्यादातर स्टराइल होते हैं, वो आगे अपनी मतलब कि नॉट प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द लीफ हॉपर ओरोसियस एब्लिसिंटस, मतलब कि ये जो डिसीज होता है वो कौन ट्रांसमिट करता है, लीफ हॉपर, कौन सा वाला, ओरोसियस एब्लिसिंटस। अगला डिसीज है जैस्मिन फिलोडी। इसके सिम्टम्स क्या है, लीव्स टर्न येलो, जो लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के वो टर्न्स येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ अ लीफ साइज, लीव्स की साइज़ कैसी होती है, रिड्यूस होती है, कम कम होती जाती है पत्तों की साइज़। जो फ्लोरल पार्ट्स आर कन्वर्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं मतलब कि फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं और प्लांट बिकम स्टराइल। प्लांट कैसा होता है, स्टराइल होता है। ये डिसीज़ कौन ट्रांसमिट करता है, वाइट फ्लाई, ये जो आपको दिख रही है इसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं। इसी वजह से डिसीज़ ट्रांसमिट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायल्यूरोडस किरकाइल्डी। अगला डिसीज है तीसरा वाला, ब्रिंजल लिटिल लीफ। ब्रिंजल को हम क्या कहते हैं, एक प्लांट भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस स्मॉल नैरो ससाइल सॉफ्ट पेल ग्रीन कलर लीव्स, मतलब कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, छोटे वाले नैरो ससाइल, का मतलब क्या होता है, ल्यूज डायरेक्टली अटैच, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ल्यूज, ये डायरेक्टली अटैच होता है ब्रांच स्टेम को, ब्रांच फॉर्म नहीं करता है, वो डायरेक्टली अटैच होता है स्टेम को। सॉफ्ट पेल ग्रीन कलर ल्यूज, प्लांट्स लुक लाइक बुशी, मतलब कि जो बुश होता है इसके जैसा वो दिखता है, बुश के जैसा वो प्लांट दिखने लगता है। अब ये डिसीज़ कौन ट्रांसमिट करता है, लीफ हॉपर, कौन सा, हिशिमोनास फाइसिटिस एंड
एम्पोस्केड वेस्टवेम्प्स, ये जो लीफ है हॉपर की प्रजाति है, ये इसमें डिसीज ट्रांसमिट करते हैं। अगला है शुगर केन ग्रासी शूट, इसके सिम्टम्स क्या है? ग्रासी अपीरेंस ऑफ अ शूट, जो शूट होती है मतलब कि ऊपर का पार्ट, सॉइल के ऊपर का पार्ट जो होता है प्लांट का, वो ग्रासी नज़र आता है। ग्रासी का मतलब क्या है? घास की तरह। ग्रासी अपीरेंस ऑफ द शूट, नैरो एंड येलो लीव्स, लीव्स जो होते हैं ग्रीन कलर के वो नैरो होते हैं और लीव्स येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुगर केन में क्या होता है? थिन विथ अ शॉर्ट इंटरनोड, शुगर केन जो ऐसे मोटे होते हैं वो थिन होने लगते हैं और जो इनकी इंटरनोड की साइज़ है, ये जो आप दिख रहे हैं, वो कम कम होती जाती है। ये डिसीज़ कौन ट्रांसमिट करता है? एफिड्स, रेफेलोसिफम एंड आर सैक्री, ये जो एफिड्स है ये डिसीज़ ट्रांसमिट करते हैं, रेफेलोसिफम एंड रेफेलोसिफम सैक्री। अगला है पांचवा, राइस येलो डॉर्फ डिसीज़, इसके सिम्टम्स क्या है? डिसीज प्लांट बिकम डॉर्फ, जो प्लांट होता है वो बड़ा नहीं होता है, वो डॉर्फ बिकम डॉर्फ होता है। लीव्स बिकम नैरो ग्रीन और येलो, लीव्स का कलर कैसा होता है? नैरो ग्रीन और येलो कलर की लीव्स उसमें फॉर्म होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे येलो लीव्स। प्लांट बिकम स्टराइल, प्लांट कैसा होता है? स्टराइल। डिसीज़ कौन ट्रांसमिट करता है? नेफोटेक्टिक्स वेरेसेंस, नेफोटेक्टिक्स वेरेसेंस नाम का एक बैक्टीरिया वो डिसीज़ कॉज करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है।